आज मैं आपको मिलवाने वाला भुवनेश्वर के फेमस रंजीत भाई से, जिन्होंने भुवनेश्वर में सबसे पहले घुगनी दही बड़ा चाट की शुरुआत की थी और आज ये यहाँ पे डेली का 5,000 प्लेट दही बड़ा चाट की सेल कर देते हैं। और इनके दही बड़ा चाट की खास बात ये है कि इसको नेचुरल तरीके से हरे पत्ते की प्लेट पे सर्व करते हैं और इनके दही बड़ा चाट इतना टेस्टी होता है कि इसको खाने के लिए यहाँ पे लोगों को आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इनके घुगनी चाट को कैसे सर्व किया जाता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे बड़े को लिया जा रहा है, आप तो एक ही करके देखो तो पत्ते के ऊपर बड़ा लगा रहे हैं यहाँ पे, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसमें से निकाला जा रहा है। तो भुवनेश्वर में लोग दही बड़ा चाट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत ही शौक से खाते हैं। तो देखो तो यहाँ पे स्टॉल लगने से पहले ही यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ लग चुकी है, तो देख सकते पूरा का पूरा ढक्कन यहाँ पे भर चुका है और बड़े यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है। तो एक साथ देख सकते हो 20 से 25 यहाँ पे इन्होंने प्लेट्स लगा दिए हैं और एक ढक्कन तो पूरा भर गया है, तो दूसरे ढक्कन के ऊपर यहाँ पे बड़े लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत ही यूनिक टाइप की यहाँ पे चाट लगाते हैं जिसको भुवनेश्वर के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी दीवानगी आपको यहाँ पे अलग ही दिख जाएगी। तो फाइनली देख सकते हो दोनों ढक्कन के ऊपर कितने सारे यहाँ पे प्लेट लग चुकी है और ज्यादातर लोग इसको देख सकते हो पत्ते के ऊपर ही खाना पसंद करते हैं। तो बड़े यहाँ पे लग चुके हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाला जा रहा है। तो ब्लैक सॉल्ट के बाद देखो यहाँ पे मसाले डालना स्टार्ट हो चुके हैं। तो देख सकते हो कितने फास्ट फास्ट यहाँ पे प्लेट लग रही है और कितनी ज्यादा क्वांटिटी लग रही है। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पे मटर डाल दिए गए हैं जिसको कि यहाँ पे घुगनी बोला जाता है। तो बड़े के साथ घुगनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है, अगर आप भुवनेश्वर रहते होंगे तो आपको ये चीज पता होगी। तो एक एक करके सभी प्लेट्स में घुगनी को यहाँ पे डाला जा रहा है। अभी कितने का रहता है प्लेट? हाफ प्लेट 30 रुपीज और फुल प्लेट 40 रुपीज। तो अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट से क्या रहने वाला है, नेक्स्ट सब्जेक्ट तो घुगनी डालने के बाद यहाँ पे आलू की सब्जी डाली जा रही है। तो 5 से 6 देखो तो आपको आलू के पीसेस ऊपर मिल जाएंगे और साथ में आलू की जो तरी रहती है वो सब में डाली जा रही है। तो भैया की आलू वड़ा की चाट की इतनी दीवानगी है, आप भीड़ चेक कर सकते हो यहाँ पे। भैया के आने से पहले ही लोग इनका इंतजार कर रहे थे। तो वड़ा खाने के बाद यहाँ पे जिसको वड़े का जो पानी रहता है लोग बहुत ज्यादा लेना पसंद करते हैं। 15 से 20 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे प्लेट लगने में और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो। तो गर्मा गर्म आलू की सब्जी यहाँ पे डाल दी गई, एकदम मसालेदार खुशबू जैसी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ रही है। तो आलू की सब्जी डालने के बाद ऊपर से प्याज और धनिया इसके ऊपर छिड़का जा रहा है, तो एकदम बारीक कटा हुआ प्याज जिसको यहाँ पे डाला जा रहा है, साथ में धनिया डाला हुआ है और एक एक करके सभी प्लेट में यहाँ पे लगाया जा रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे सेव आपको मिल जाएगी जो कि थोड़ा सा इसको क्रंचीनेस प्रोवाइड करती है और इससे जो टेस्ट है इसका बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। तो अगर आपने भी इतना अमेजिंग फूड ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नहीं किया तो भुवनेश्वर में आके इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो सेव डालने के बाद ऊपर से दही डाला जा रहा है और बड़े का जो पानी है देख सकते हो हल्की सी चटनी के साथ बड़े का पानी देख सकते हो ऊपर डाला जा रहा है। तो ग्रीन चटनी डालते ही इसका स्वाद एकदम बदल जाता है और इसका स्वाद जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। तो देखो तो फाइनली देख सकते हो कितनी सारी प्लेट यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है, हम लोगों में यहाँ पे एक एक करके सभी प्लेट्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो भाई प्रोसेस देख सकते हो बनते ही देख सकते हो सारी प्लेट्स यहाँ पे सेल होने स्टार्ट हो चुकी है। तो देख सकते हो भाई गिनती नहीं कर सकते आप, 40 से 50 प्लेट्स एक साथ यहाँ पे लगा दी गई है और एक साथ यहाँ पे सेल की जा रही है। सत्यव्रत महापात्रा, पेशे से स्टैंड अप कॉमेडियन। कैसा लगता है आपको यहाँ पे दही बड़ा? यार काफी टेस्टी है, बिल्कुल स्पाइसी नहीं है और एज वी ओडिया से दही बड़ा इज नॉट अ फूड इट्स एन इमोशन, इमोशनल क्वोशेंट इज मोर इसमें। हम ऐसे लोग हैं डिनर में भी खा लेते हैं, खा लो तो आई डोंट थिंक यू कैन हैव एनी अदर फूड फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स। आप बोलोगे तो वो स्पाइसी बना देंगे। वे टू मेक इट स्पाइसी इज ग्रीन चिली को दही के साथ, बट अभी तो स्पाइसी नहीं है जो कि अच्छी बात है क्योंकि इतना उड़िया लोगों को स्पाइसी खाने का उतना आदत है नहीं वैसे। वैसे तो ये कटक की चाट फेमस है बट भुवनेश्वर में इन्हीं भाई ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आपको बड़े मिल जाएंगे, बड़े के ऊपर देख सकते हो घुगनी डाली जाती है, आलू सब्जी डाली जाती है, दही डाला जाता है, सेव डाली जाती है, चटनी डाली जाती है और बहुत ही बेहतरीन सा एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। तो चलिए हम भी इसको टेस्ट करते हैं, जानते हैं कि भुवनेश्वर के लोग इसके इतने दीवाने क्यों हैं। तो बड़े को हम दही के साथ तरी है अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, थोड़ी चटनी यहाँ पे लगा लेंगे और फिर इसको टेस्ट करेंगे। टाइमिंग क्या रहता है? 11 बजे खुलते हैं, 2-3 बजे बंद हो जाता है, 1 से 2 घंटे में खत्म हो जाता है सारा। दुकान का नाम और एड्रेस बता दीजिए। नाम किसने मिट्टू भाई दही बड़ा और डेली लगता है ये? हाँ डेली।